बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया है। मुख्यमंत्री पर यह हमला बख्तियारपुर में हुआ है। हमलावर को लेकर कहा जा रहा है कि वो दिमागी तौर पर पीड़ित है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ चल रही है। आपको बता दें, जैसे ही सीएम नीतीश का काफिला बख्तियारपुर के गंगा नदी किनारे पंडित शीलभद्र याजी महान स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचा, वैसे ही एक युवक सुरक्षा खेमा को तोड़ते हुए उन पर हमला कर दिया। शख्स ने नीतीश कुमार के ऊपर हाथ चलाते हुए हमला करने की कोशिश की। इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उसे दबोच लिया और पकड़कर थाने ले आई। सूत्रों की माने तो युवक के पिता को हाल ही के दिनों में शराब मामले में पुलिस ने जेल भेजने का काम किया था, जिससे नाराज होकर युवक इस तरह की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अभी मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते सारे पदाधिकारी इसकी समीक्षा करने में लगे हुए हैं। घटना रविवार के दिन संध्या की है, जहां कई कार्यक्रम में नीतीश कुमार अपने पुराने मित्रों से बातचीत करने पहुंचे थे। हालांकि यह वीडियो किसी पब्लिक के द्वारा शूट किया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।